भैया ये सवाल काफी पुराना हो गया है कि क्या आपको भूतों से डर लगता है, क्या भूत होते हैं वगैरह वगैरह, क्योंकि इन सवालों को सुनते ही भूतों को मानने वाले और ना मानने वालों के बीच एक कभी ना खत्म होने वाली बहस शुरू हो जाती है। ये और बात है कि जब लोग एक्चुअल सिचुएशन को देखते हैं तो उसका फाइनल जवाब किसी के पास नहीं होता। आज हम आपके सामने राजस्थान के बालाजी टेंपल के कुछ ऐसे रहस्य लेकर आए हैं जिसे जानने के बाद अगर आप किसी कंक्लूजन पर पहुंच जाए तो भैया उसकी जानकारी कमेंट बॉक्स में आकर हमें जरूर दे दीजिएगा, हमारा भी कुछ ज्ञान वर्धन हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको हमारा ये वीडियो आखिर तक देखना ही होगा। तो आइए चलते हैं डिजिटली भूतों की दुनिया में। राजस्थान अपनी दूसरी खूबियों के साथ साथ इसलिए भी जाना जाता है कि यहाँ बहुत सारे हॉन्टेड प्लेस देखे जाते हैं। कोई महल, घर या इस तरह का कोई किला राजस्थान में हॉन्टेड प्लेस के तौर पर जाना जाता है। इसी तरह राजस्थान के अलवर जिले में एक भानगढ़ का किला है जिसे हॉन्टेड किले के तौर पर जाना जाता है। इस किले के बाहर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की तरफ से एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ साफ साफ चेतावनी लिखी है कि सूर्य डूबने के बाद इस क्षेत्र से जितना हो सके दूर रहें। राजस्थान में पूरा का पूरा गांव है जो भूतों के गांव से नाम से प्रसिद्ध है, उसे भूतों का गांव कहा जाता है। इसे भारत का सबसे ज्यादा डरावना स्थान कहा जाता है। लेकिन आज हम आपको राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर की वो कहानी बताने जा रहे हैं जहां भूत बाधा का इलाज किए जाने का दावा किया जाता है। राजस्थान का ये मंदिर हनुमान जी का मंदिर है। ये मंदिर बेसिकली तीन देवताओं को समर्पित है जिनमें से एक तो हनुमान जी है, दूसरे है भैरवनाथ और तीसरे है प्रेतराज। इन तीनों देवताओं के बारे में कहा जाता है कि ये भूत प्रेत पर कंट्रोल कर लेते हैं। इसके अलावा इन तीनों देवताओं के बारे में ये कहा जाता है कि ये तीनों देवता इस स्थान पर आए थे, यही वजह है कि इन तीनों की यहाँ पर पूजा की जाती है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ एक अलग ही दिव्य शक्ति है और ये पूरा क्षेत्र विशेष शक्तियों के साथ संरक्षित रहता है। राजस्थान के दौसा जिले में मेहंदीपुर बालाजी के नाम से ये मंदिर बहुत ज्यादा लोकप्रिय है क्योंकि हनुमान जी को बालाजी भी कहा जाता है, इसलिए इस मंदिर को मेहंदीपुर बालाजी के नाम से जाना जाता है। जो लोग भूत प्रेत या इस तरह की चीजों पर भरोसा नहीं करते हैं, अगर वो भी इस मंदिर में आते हैं तो यहाँ कुछ ऐसी वाइव्स हैं कि वो भी इन बातों पर भरोसा करने लगे। इस मंदिर में आने वाले लोगों के लिए कहा जाता है कि अगर वो इस मंदिर में पूजा पाठ करवाते हैं तो उनके शरीर में मौजूद प्रेत बाधाएं दूर हो जाती हैं, उनके जीवन में मौजूद इस तरह की नकारात्मक शक्तियां दूर हो जाती हैं। जनरली अगर आप किसी मंदिर में जाते हैं तो वहां आप मंत्रोच्चार की आवाजें सुनते हैं, मंदिर के घंटे की आवाज सुनते हैं, भक्तों की चहल पहल की आवाजें सुनते हैं। लेकिन इस मंदिर की बात ही निराली है। जब आप इस मंदिर में जाते हैं तो यहाँ आपको मंत्रोच्चारण और मंदिरों की घंटियां नहीं सुनाई देती, बल्कि यहाँ भूत बाधा, पड़े हुए लोगों की चीखें और उनकी डरावनी आवाजें सुनाई देती है। इस मंदिर में चार खंड है जिनमें से एक खंड में हनुमान जी विराजते हैं और दूसरे खंड में भैरवनाथ जी मौजूद हैं। इस मंदिर के चौथे खंड के बारे में बात की जाए तो यहाँ पर वो लोग मौजूद रहते हैं जो प्रेत बाधा या भूत प्रेत से ग्रसित रहते हैं। यहाँ पर अगर आप आते हैं तो आपको बहुत ही नेगेटिव एनर्जी वाली फीलिंग आएगी क्योंकि यहाँ पर रहने वाले लोग वैसे भी नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं और ऐसी ही हरकतें करते रहते हैं। कोई दीवार पर सिर पटकता है तो कोई अपना हाथ पैर पटकता है, कोई सिर को घुमाता है, कोई बाल फैलाए घूमता है। यहाँ इन लोगों की देखरेख के लिए पंडित पुजारी लोग मौजूद रहते हैं जो इन लोगों का इलाज भी करते हैं। इलाज के दौरान जरूरत पड़ने पर इन्हें मारते पीटते हैं, गर्म पानी डालते हैं और कभी उन्हें सीलिंग से भी लटका देते हैं। इतने डिस्क्रिप्शन से आप इतना तो समझ गए होंगे कि ये जगह कमजोर दिल वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों मंदिरों में जाते हैं, वहां दर्शन करते हैं, भगवान की प्रतिमा के दर्शन कर वहां सिर झुकाने के अलावा अपने श्रद्धा के अनुसार लोग दान दक्षिणा भी करते हैं। और इसके अलावा मंदिर का एक और आकर्षण होता है वहां मिलने वाला प्रसाद जो सभी को दिया जाता है। लेकिन मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर की परंपरा अलग है, यहाँ पर किसी को भी प्रसाद ऑफर नहीं किया जाता।
मंदिर के आसपास जो दुकानें लगी है वहां पर बैठे दुकानदार काफी इंसिस्ट करते हैं प्रसाद लेने के लिए, लेकिन वहां पर प्रसाद नहीं लिया जाता। ज्यादातर लोग इस मंदिर में प्रसाद ना लेने को ही सही मानते हैं, बल्कि यहाँ पर एक इस तरह की काले रंग की बाल मिलती है, इसको ना नहीं कहा जाता, लोग इसे खरीद लेते हैं। लेकिन यहाँ के लोग ये मानते हैं कि यहाँ मिलने वाले किसी भी चीज को नहीं खाना चाहिए, इसीलिए यहाँ पर जो ब्लैक बॉल मिलती है उससे लोग आग में जला देते हैं। बल्कि यहाँ के लोग ये जरूर कहते हैं कि जो ब्लैक बॉल मिलती है उसे अपने शरीर पर 5 बार घुमाकर आग में फेंकना चाहिए। इसकी वजह से लोगों को अपने आसपास के एनवायरमेंट में काफी बेटर फील होता है। हनुमान जी को संकट मोचन भी कहा जाता है, यानी कि जो आपके दुखों को हर लेता हो, जो आपके संकट को दूर कर देता हो। लोग हनुमान जी की पूजा पाठ भी इसी भावना के साथ करते हैं कि भगवान उनके दुखों को दूर करेंगे। अगर आप इस मंदिर के प्रेमासिस से बाहर निकल रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि मंदिर परिसर में आपको दी जाने वाली किसी भी चीज को खाना नहीं है, और अगर आपके पास कोई भोजन या पानी है तो उसे अपने साथ वापस जरूर ले जाना चाहिए। यहाँ के नियमों के अनुसार यहाँ किसी दूसरे को छूना या उससे बात करना भी मना है, क्योंकि आप नहीं जानते हो कि यहाँ आने वाला कौन सा व्यक्ति किस तरह की प्रेत बाधा से ग्रसित है। मंदिर से निकलते समय पीछे मुड़कर देखना भी मना है। अगर आप इस मंदिर से दर्शन करके वापस बाहर जा रहे हैं तो भूलकर भी पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि अगर आपने पीछे मुड़कर देखा तो हो सकता है कि कोई प्रेत बाधा आपको घेर ले। यहाँ के बारे में ये भी कहा जाता है कि जब आप इस क्षेत्र को छोड़ रहे हैं तो आपके पास पानी की एक बूंद भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ आने वालों को ये सलाह जरूर दी जाती है। इस मंदिर की शुरुआत ये कहा जाता है कि ये लगभग 1000 साल पुराना मंदिर है। अरावली पर्वत पर बने इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि इसे स्वयं हनुमान जी ने आकर बनाया था। ये मंदिर अपने चमत्कारों और घटनाओं की वजह से लोगों में काफी जाना माना जाता है। एक समय था जब इस मंदिर की जगह पर घना जंगल हुआ करता था, और श्री महंत जी के पूर्वज यहाँ पर हनुमान जी की पूजा किया करते थे। जैसा घटनाक्रम बताया जाता है उसके अनुसार यहाँ पर जिन तीनों देवताओं की प्रतिमाएं विराजित हैं, उन तीनों देवताओं ने यहाँ मौजूद महंत जी को सपने में दर्शन दिए थे और उनसे कहा था कि आप हमारी सेवा कीजिए। तब से यहाँ पर तीनों देवताओं की प्रतिमाएं स्थापित की गई और उनकी पूजा की जा रही है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जैसे ही वो यहाँ कदम रखते हैं उन्हें एक अलग ही तरह की ऊर्जा का अनुभव होता है। वैसे तो राजस्थान के जिस क्षेत्र में ये मंदिर मौजूद है वो काफी गर्म क्षेत्र है, लेकिन इस मंदिर के आसपास के प्रेमाइसिस में आने वालों को काफी ठंडक महसूस होती है। राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में बहुत जबरदस्त भीड़ होती है। यहाँ भक्तों की भीड़ इतनी अधिक होती है कि बहुत सारे भक्तों को तो मूर्ति के दर्शन नहीं होते। साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू, भूत प्रेत आत्मा चुड़ैल जैसी बातें ज्यादातर लोगों को फिल्मों में किस्से कहानियों में देखने को सुनने को मिलती है। उनके माध्यम से ही इनकी एक इमेज दिमाग में बनती है, लेकिन अगर आप इन फिल्मों और किस्से कहानियों को एक तरफ कर दें तो इसके बावजूद भूत प्रेत या इस तरह की बातों के बारे में पूरी दुनिया में भरोसा किया जाता है। ज्यादातर लोग किसी न किसी रूप में आत्मा और भूत प्रेत के अस्तित्व को मानते हैं। हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा माने जाने वाले सनातन परंपराओं में तो इन चीजों का बड़े ही व्यवस्थित तरीके से वर्णन भी मिलता है। इनके कारण और इसके निवारण के बारे में भी बात कही गई है। इसके अलावा दुनिया के दूसरे धर्म और देशों में भी इन चीजों के बारे में बताया गया है। बाइबिल में भी 6 जगहों पर भूत प्रेत के बारे में जीसस ने बताया है, साथ ही उन्होंने इसके उपाय भी बताए हैं। जब इन बातों पर भरोसा करने की बात आती है तो विज्ञान के मानने वाले भी 2 भागों में बटे हुए नजर आते हैं। कुछ वैज्ञानिक ऐसे होते हैं जो इन चीजों पर भरोसा करते हैं, वो ये मानते हैं कि भूत प्रेत होता है, उनका प्रभाव होता है, जबकि कुछ वैज्ञानिक ऐसे हैं जो इन बातों को बिल्कुल भी नहीं मानते और ना ही वो इन चीजों के एग्जिस्टेंस को डिनाई करते हैं। लेकिन इसके बावजूद इस तरह की बहुत सी घटनाएं सामने आती हैं जिसका जवाब विज्ञान के पास नहीं होता और वैज्ञानिक चुप हो जाते हैं। वैसे आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपना जवाब कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।